हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई एम वेरी श्योर आप सब बहुत बढ़िया होंगे. और यस, ये वीडियो में आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है. सो गुड न्यूज ऐसी है, मेरे लिए भी गुड न्यूज है. सो बच्चों, मैं कल अपनी सोसाइटी में वॉक कर रहा था और वॉक करते करते मुझे एक मैम मिली. हिमानी मैम है. और हिमानी मैम, आई बिलीव since last 10 years she's a CS and she is into practice. और उन्होंने मुझे कहा कि फिर हमारा पहचान हो गया, because मेरा एक student था जो उनके यहाँ पे articleship कर रहा है, मेरा एक student. तो उनसे मैंने पूछा कि मैम, you know, कि आपको क्या लगता है कि CS के practice में, चूंकि मैं हमेशा videos बनाता हूँ और चूंकि मेरे most of the students, you know, they are into jobs, तो जॉब्स को लेकर तो सीएस का बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चल रहा है. लोग काफी अच्छे जॉब्स मिल रहे हैं. पीपल आर एक्सट्रीमली डूइंग वेल. कम से कम मेरे स्टूडेंट्स आर काफी अच्छे सेट हैं. मैम, व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? मतलब मेरे कई स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में भी हैं, बट प्रैक्टिस का मुझे उतना आइडिया नहीं आया. सो मैंने मैम से पूछा कि मैम, प्रैक्टिस का क्या स्कोप है, प्रैक्टिस में कैसा है? तो शी वॉज लाइक कि दुष्यंत सर, अगर मान लीजिए आपके जैसे ही आपके अगर 4-5 स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज आप उनको मुझे बताइए, मुझे उनको आर्टिकलशिप के लिए रखना है. मैंने बोला मैम, ऐसा क्यों? तो शी इज लाइक, इट सर, अभी काम इतना ज्यादा हो गया है, लाइक एज अ पीसीएस मैं आपको बता रही हूं कि सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सो मच ऑफ टास्क, लाइक वी आर गेटिंग सो मच ऑफ टास्क बच्चों. और तो मुझे भी ऐसा लगा, चूंकि हम लॉ पढ़ाते हैं और अब कंपनी लॉ पढ़ाना या जितने भी लॉज हैं, चाहे कंपनीज की बात हो, सिक्योरिटीज की बात हो, सेक्रेटरियल ऑडिट का काम हो बच्चों, चूंकि मैं सेक्रेटरियल ऑडिट भी पढ़ाता हूं, तो बच्चों इतने सारे एरियाज हमको कवर करने होते हैं. सेक्रेटरियल ऑडिट अब इतना डिफिकल्ट हो गया है करना, बिकॉज एंड इट इज अ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. सो वो मुझे बताई थी कि सर, प्रैक्टिस में नाउ द स्कोप इज इमेंस. मतलब जॉब में तो है ही है स्कोप, बट प्रैक्टिस में भी. बट यस, प्रैक्टिस में उन्होंने मुझे बताया कि सर, शुरू के 3 साल तो मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, बट आज मैं इंडिपेंडेंट हूं एंड आई एम एक्सट्रीमली डूइंग. काफी अच्छा उनका वो काफी अच्छा कर रही है बच्चों. शी वॉज वेरी हैप्पी. तो मुझे भी काफी अच्छा लगा. फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि अपना प्रोफेशन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो शी इज लाइक कि यस, अपना प्रोफेशन काफी ग्रो कर रहा है. रीजन ये है कि वो प्रोफेशनल्स जो कल की तारीख में ये बोलते थे कि यू नो कि सीएस का काम हम करेंगे, सीएस को कुछ नहीं, मतलब ऐसा उनका मानना था कि सीएस का काम हम काफी अच्छे से कर सकते हैं, अब वो प्रोफेशनल्स सीएस को फोन करके बोल रहे हैं कि यार ये कैसे होगा, एक काम करते हैं, हम क्लाइंट से वो काम ले लेते हैं, बट हमको वो काम आप करके दीजिए. सो कहने का मतलब ये है कि नाउ द स्कोप तो पहले से ही था बच्चों, स्कोप अब जो प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो प्रैक्टिस भी काफी अट्रैक्टिव काम हो गया है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अब सीएस एज अ जॉब तो काफी अच्छा है, मैं हमेशा बोलता हूं, और एज अ प्रैक्टिस भी काफी अच्छी है. लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिस में आपको तुरंत नहीं आना है, पहले आप 1-2 साल जॉब कीजिए. या फिर आप फिर प्रैक्टिस में आना है तो एक और चीज कर सकते हैं कि आप जिनके यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके यहां पर आर्टिकलशिप कर रहे हैं, फिर वहीं से कंटिन्यू कीजिए, वहां पर जॉब कीजिए 1-2 साल एंड देन स्टार्ट योर ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. बट आप जहां पर प्रैक्टिस करें, अगर आप वहां पर खुश हैं, तो यू कैन कंटिन्यू देयर ऑल्सो. बट आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आपने आर्टिकल्स करी और डायरेक्टली खुद की फर्म खोली, थोड़ा सा टाइम दीजिए. और यस, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिस में स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि आजकल ना बच्चों, एंड मोदी जी को तो हमको हमेशा थैंकफुल रहना पड़ेगा, भले ही इकॉनमी की जो स्थिति है वो भी अपनी जगह है, बट वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी जी, क्योंकि इतने सारे लॉस को उन्होंने ऐसा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ऐसे प्रोविजन है बच्चों. एज अ टीचर ऑल्सो मैं देखता हूं कि यार इतना कुछ पढ़ाना है, फेमा के कंप्लायंसेज हैं, सिक्योरिटीज लॉ के कंप्लायंसेज हैं, कंपनीज एक्ट तो अपने आप में बच्चों एक ग्रंथ है, महाग्रंथ है, उसके अंदर इतने सारे कंप्लायंसेज हैं. तो बच्चों, एज अ सीएस मैं आपको बता दूं कि अपना प्रोफेशन अभी जो है उससे और ज्यादा ग्रो करने वाला है. तो अगर आप सीएस करते करते बीच में आपने गैप ले लिया है, रुक गए हैं, मेरा हिसाब है, मेरा मानना है कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप वापस से
एंट्री मारे. और यस, अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो सीएस का रोल हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में, यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी इकोनॉमी में कंपनी सेक्रेटरी का है. एट प्रेजेंट 60,000 कंपनी सेक्रेटरीज अपनी सर्विसेज अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, बट यस आने वाले टाइम पे नंबर्स जो सीएस स्टूडेंट्स है, काफी स्टूडेंट सीएस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में प्रोफेशन अपना स्कोप और ज्यादा बढ़ने वाला है बच्चों. So, मैं चाहता हूं सीएस का स्कोप इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन ये है कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उसका एक मेजर हिस्सा, जो गवर्नमेंट को एक टैक्स मिलता है उसका मेजर हिस्सा कहां से आता है, कंपनी से आता है. मेरा इंपॉर्टेंस यहां पे टैक्स है और टैक्स से मैं जोड़ रहा हूं कंपनी को. और कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कंपनी को कोई सही तरीके से चला रहा है, कंपनी अपना बिजनेस अगर सही तरीके से चला रही है तो वो इस कंफर्टेबिलिटी के साथ चला रही है कि पीछे देर इज समवन जो कंपनी का बैकबोन है और जो सारे कंप्लायंसेस को ध्यान में रख रहा है. हर एक काम, हर एक कंपनी के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बट यस आज की तारीख में लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सो मैं चाहता हूं ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड टेल देम हाउ आवर कोर्स इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी आर सो मच ऑफ रेलिवेंस टू द इकॉनमी एज अ होल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.